Hello kids, good morning. Say good morning. First, we will start prayer. So stand up everyone. Join your hands and close your eyes. Thank you God for the world so sweet. Thank you God for the food we eat. Thank you God for the bird that sing. Thank you God for everything. Slowly, slowly open your eyes. Okay kids, today we will learn new rhymes. हम कौन सी rhymes सीखने वाले हैं पता है? नन्ना मुन्ना राही हूँ, हिंदी rhymes. ये क्यों rhymes अभी सीखने वाले हैं? क्योंकि 26 जनवरी आने वाली है, जो हमारा नेशनल फेस्टिवल है. तो इसके रिलेटेड ये राइम्स है, तो सबको मेरे साथ बोलना है. नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ. बोलो मेरे साथ. नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ. बोलो मेरे संग, जय हिंद जय हिंद जय हिंद. ओके, रिपीट अगेन विथ मी. कितनी इजी राइम्स है ना. तो हमें क्या बोलना है? नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ. बोलो मेरे संग, जय हिंद जय हिंद जय हिंद. ओके, तो हमने राइम सीखे, आपको डेली बोलनी है. और आज हम इंडिया के मैप में एक्टिविटी भी करने वाले हैं. तो इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए? आपके घर में जो भी ग्रेन हो, पल्सेस हो, यानी कि दालें हो, लेंटिल मूंग, ये उसको यूज करके हम इंडिया के मैप में उसको फिलअप करेंगे. लाइक अ फ्लैग में जो कलर होते हैं, सैफ्रॉन, ग्रीन, ब्लू, वाइट. ओके, तो ये एक्टिविटी करने वाले हैं. क्यों करने वाले हैं? क्योंकि 26 जनवरी के लिए. यस. तो किड्स, मुझे ये बताओ कि इंडिया का मैप कौन सा होता है? और पहले ये बताओ, विच कंट्री डू यू लिव? वी लिव इन इंडिया. हम कौन से कंट्री में रहते हैं? इंडिया में. तो इंडिया का ये मैप है. यस, तो जिसमें हम क्या करने वाले हैं? हम पल्सेस और ग्रेन से उसको फिलअप करने वाले हैं. जैसे फ्लैग में फर्स्ट कौन सा कलर होता है? ऊपर कौन सा कलर होता है? सैफ्रॉन. तो टीचर ने इसके लिए ये लेंटिल लिया है. कौन सा पल्सेस लिया है? लेंटिल. इट इज इन सैफ्रॉन कलर, ऑरेंज कलर, जो भी बोलना चाहो. एंड दिस इज मूंग. मूंग में कौन सा कलर होता है? ग्रीन कलर. तो मुझे ये बताओ, फ्लैग में फर्स्ट कलर अपसाइड कौन सा कलर होता है? फ्लैग देखा है आपने, उसमें फर्स्ट सैफ्रॉन कलर होता है. तो सैफ्रॉन कलर हमें क्या सिखाता है? सैक्रिफाइस, है ना. जो हमारे सोल्जर होते हैं वो अपने कंट्री के लिए सैक्रिफाइस करते हैं ना. ओके, और ये जो नीचे ग्रीन कलर होता है, थर्ड कलर, वो हमें क्या सिखाता है? प्रॉस्परिटी, है ना. यानी हमारा देश क्या है? समृद्ध है, सब कुछ है हमारे कंट्री में. यस, ये सिखाता है. तो आज हम ग्रीन से ही एक्टिविटी करने वाले हैं. तो आपको ये मैप दिख रहा है ना. तो फर्स्ट हम, ये कौन सा कलर होता है फ्लैग में? हमने देखा है ना, ऑरेंज कलर. तो हम यहाँ ऑरेंज, ये जो लेंटिल है उससे ये फिल करेंगे. बीच में क्या होता है? व्हाइट कलर, है ना. एंड थर्ड वन इज ग्रीन कलर. और ये क्या होता है? अशोक चक्र. इसको क्या बोलते हैं? अशोक चक्र. उसमें जो ये आपको लाइन दिख रही है, उसको स्पोक बोलते हैं. तो कितनी स्पोक होती है? 24. कितनी स्पोक होती है? 24. तो ये समझ में आया? कोई पूछे कि किसका मैप है, तो आपको बोलना इंडिया. क्या बोलना है? इंडिया. और आपको पूछे क्या कौन सी कंट्री में रहते हो, तो हम इंडिया में रहते हैं, है ना. तो आज हम इंडिया को जो फ्लैग की कलर है उससे फिलअप करेंगे, है ना. तो क्राफ्ट करने में आपको मजा आएगी. तो फर्स्ट हम
ये जो नॉर्थ पार्ट होता है, नॉर्थ साउथ है ना, जो अप डाउन, आपको तो ऐसे ही बोलना है अप और डाउन। तो अप साइड हम ऑरेंज कलर लेंगे क्योंकि, या तो सैफरन कलर, बराबर, क्योंकि फ्लैग में फर्स्ट सैफरन कलर होता है। तो हमें किससे फिल करना है इसको, ये लेंटिल सर। ओके, इससे आपको कलर भी रिकॉग्नाइज होगा और मैप अपना, हम जिस कंट्री में रह रहे हैं तो हमारा इंडिया कैसा है वो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, और इंडिया को हम हिंदी में भारत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भारत। ओके, इंडिया का दूसरा नाम क्या है? भारत। को कोई भी पूछे कि आप कौन सी कंट्री में रहते हो तो आपको क्या आंसर देना है? इंडिया। ओके, तो टीचर ने ये अपर पार्ट जो इंडिया का मैप है उसमें कौन से कलर से फिल किया है? ऑरेंज कलर से। ओके, आप स्टिक करना चाहो तो स्टिक भी कर सकते हो। अगर आपके पास ये पल्सेस नहीं है तो यू कैन यूज ऑरेंज पेपर एंड ग्रीन पेपर। ओके, हमें तो क्या करना है, हमें सीखना ही है ना। तो हम कोई भी चीज घर में जो अवेलेबल हो उसे कर सकते हैं, ऐसा नहीं टीचर ने ये कहा तो हमें ये ही करना है। ओके, जो चीज हमारे घर में मिल जाती है उससे आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं। तो ये आपको दिख रहा है ना क्लियर कि टीचर ने ये अपर साइड कौन सा कलर लिया है? सैफ्रॉन, क्योंकि फ्लैग में फर्स्ट कलर इज सैफ्रॉन। और नाउ बीच का कलर व्हाइट है तो हमें उसको किसी से भी फिल नहीं करना है। अगर आपको फिल करना हो तो आप राइस का यूज कर सकते हो उसमें। ओके, पर टीचर ने पेपर ऑलरेडी व्हाइट कलर का लिया है तो टीचर इसमें फिल नहीं कर रहे हैं, है ना, क्योंकि सेकेंड स्ट्रिप जो फ्लैग में होती है वो व्हाइट कलर में होती है और बीच में ब्लू कलर का अशोक चक्र होता है। एंड देन डाउन साइड वी पुट मून, क्योंकि मून का कलर कौन सा होता है? ग्रीन। और फ्लैग में कौन सा कलर होता है नीचे? ग्रीन कलर। ओके, ये जो एक्टिविटी है ना आप अपनी मम्मी के हेल्प से और बिना हेल्प से भी कर सकते हो। खाली आप इंडिया का एक मैप ले लेना, छोटा सा हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। तो समझ में आया हम जिस कंट्री में रहते हैं तो उस वो कैसा दिखता है वो आपको समझ में आया ना? फ्लैग, मैंने लास्ट टाइम आपको फ्लैग की एक्टिविटी करवाई थी जिसमें आपको मैंने क्रम्बल पेपर आपको स्टिक करवाए थे। यस, तो इस बार टीचर ने क्या यूज किया है? ग्रेन एंड पल्सेस, जो घर में अवेलेबल हो वो आप यूज कर सकते हो। तो ये आपको दिख रहा है ना क्लियर? और आप ऐसा करके अपने फ्रेंड्स को दिखाना कि मैंने इंडिया का मैप बनाया है, वो भी थ्री कलर्स फिल करके। यस, तो फर्स्ट कलर टीचर ने कौन सा लिया है? ऑरेंज कलर। देन सेकेंड इज व्हाइट कलर, है ना, व्हाइट कलर में आप राइस यूज कर सकते हैं। एंड थर्ड इज मूंग, मूंग जो होते हैं घर में वो आप ले सकते हो, है ना। तो ये क्या बन रहा है? इंडिया का मैप। नाउ नेक्स्ट आई विल टीच यू वर्कशीट। वर्कशीट में भी कुछ एक्टिविटी है जो फ्लैग में है ना, वो मैं आपको सिखाती हूँ। वर्कशीट
वर्कशीट नंबर ओपन द वर्कशीट नंबर 18 है ना। तो ये क्या है, फ्लैग आपको दिख रहा है। तो टीचर ने सिखाया था ना फ्लैग में कौन से कलर होते हैं, ऑरेंज उसको सैफ्रॉन बोलते हैं, व्हाइट एंड ग्रीन, और बीच में जो राउंड सर्कल दिख रहा है दैट इज अशोक चक्र, और विच कलर ऑफ द अशोक चक्र, इट इज इन ब्लू कलर। वो किस में कौन से कलर में होता है, ब्लू कलर में, है ना। तो आज आपको क्या करना है, डू ईयरबड्स प्रिंटिंग ऑन नेशनल फ्लैग्स। दिस इज ईयरबड, तो हमें ईयरबड से प्रिंटिंग करना है। तो इसके लिए टीचर ने फर्स्ट क्या लिया है, तो ऑरेंज कलर लिया है एंड देन ग्रीन कलर लिया है। ओके, तो हमें पहले सबसे पहले ऑरेंज कलर से इसको प्रिंट करना है। तो ऑरेंज कलर फर्स्ट लाइन में होता है। ओके, आपको ऐसे प्रिंटिंग करना है, मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ कि कैसे करना है, हाउ टू डू दिस। इसमें आप बोल सकते हैं आई एम कलरिंग, पर आप कलरिंग कर रहे नहीं, आई एम प्रिंटिंग। इसमें आपको आई एम कलरिंग नहीं बोलना है, आई एम प्रिंटिंग, आई एम प्रिंटिंग, आई एम प्रिंटिंग। ओके, तो ये ईयरबड से टीचर ने ऑरेंज कलर की प्रिंटिंग की है, और बीच में तो व्हाइट ही कलर होता है, तो उसमें ये व्हाइट ही दिख रहा है, सो हमें व्हाइट कलर नहीं करना है। एंड थर्ड इज इन ग्रीन कलर, सो हम किसकी प्रिंटिंग करेंगे, ग्रीन कलर से। इसमें आई एम प्रिंटिंग एंड से आई एम प्रिंटिंग, आपको ये नहीं बोलना आई एम कलरिंग, क्योंकि आप कलर कर रहे हो नहीं, आप क्या कर रहे हो, प्रिंटिंग, वो भी किस से, ईयरबड से। देखो अब आप कहोगे टीचर इसमें क्या करना है, आप पूछोगे ना, तो इसमें तो कलर करना है, ब्राउन कलर है ना, दिस इज स्टिक। ओके, तो इससे हमें ऐसे ब्राउन कलर से कलर, और उसमें आपको क्या बोलना है, नॉट से आई एम प्रिंटिंग, आपको क्या बोलना है, आई एम कलरिंग, क्योंकि इसमें आप कलर का, वो भी क्रेयॉन्स कलर का। ओके, तो आपको क्या बोलना है, आई एम कलरिंग, और कलर बाहर, अब तो कलर बाहर नहीं जाना चाहिए, है ना, अब तो आप थोड़े बड़े हो गए हो, समझदार हो गए हो, है ना, तो अब कलर बाहर नहीं जाने देना, प्रॉपरली करना है, कोई भी लाइन से कलर बाहर नहीं जाना चाहिए। तो ये कितना मस्त दिख रहा है, तो क्या है, इज अवर नेशनल फ्लैग, वी कॉल तिरंगा, हम इसको तिरंगा भी कहते हैं, है ना। तो ये आपको वर्कशीट करनी है। ओके, बाय बाय किड्स।